नमस्ते सभी को। मैं सत्र में ये जो अपना स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम है, छात्र अनुगम कार्यक्रम, जिसके अंदर हम पैक करके डाल के और ये मूल्य शिक्षा को देने के का पहला काम करते हैं और उसके बाद दूसरे सेमेस्टर में फिर एक कोर्स के रूप में पढ़ाते हैं, लेकिन जो सबसे पहला परिचय होता है वो इसी पैकेज में डाल के होता है। तो उसमें और भी आयाम है उसके, मूल्य शिक्षा के अलावा। मूल्य शिक्षा उनमें से एक आयाम है, वैसे टोटल 9 आयाम है उसके। वो 9 आयाम में मूल आयाम जो है, जो इस पूरे कार्यक्रम की आत्मा माना जा सकता है, वो मूल्य शिक्षा ही है, लेकिन बाकी सारे शरीर के रूप में देखे जा सकते हैं। तो उन बाकी बचे 8 आयामों के बारे में चर्चा मैं करूंगा, और मूल्य शिक्षा के बारे में चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप उसके बारे में एक वर्कशॉप से गुजर रहे हैं और पिछले 4-5 दिन में उसके बारे में चर्चा हुई होगी, अन्यथा इंडक्शन प्रोग्राम की जब बात करें तो हमें पूरी ही बात करनी होती है। तो इंडक्शन प्रोग्राम क्या है? तो इंडक्शन प्रोग्राम एक तरीका है जिससे बच्चे जिस वातावरण से आ रहे हैं और अब जिस वातावरण में उन्हें रहना है, उसके बीच का जो अंतर है, वो अंतर उन्हें बहुत परेशान ना करे, बहुत सामान्य रूप से वो अंतर पूरा हो जाए। अब जिस वातावरण से आ रहे हैं उसका आशय क्या है? तो अभी ज्यादातर बच्चे कोचिंग के वातावरण से आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो बाहर रह के कोचिंग कर रहे हैं और जो घर पे रह के कर रहे हैं उनका भी जो स्थिति है वो उनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ी बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और वो कैसा है वातावरण? तो वैसा वातावरण है कि उनके सामने एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य है कि किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में किसी बहुत अच्छी ब्रांच को ले लेना। वो बहुत अच्छा क्यों है, वो बहुत अच्छा क्या है, उसके बारे में चर्चा तो हुई नहीं है। वो चर्चा नहीं होने के बाद जो आधार है, वो जो आसपास से सुना या जो एक सामान्य रूप से समाज में जो भी बन गई है ओपिनियन, उसके आधार पर है। जैसे लहर चली एक समय तो सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा हो गया, तो सब सिविल के लिए जाने लगे। फिर लहर चली एक समय तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा हो गया, सब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाने लगे। फिर कंप्यूटर साइंस के बारे में बात होने लगी, फिर कभी मैकेनिकल का आ गया, फिर कंप्यूटर साइंस का। ये कोई बहुत आधार है, कोई इंडस्ट्री को वैसे लोगों की जरूरत है, उसका वैसी कोई स्थिति नहीं। वो खाली जैसा सुनने से जो उनको लगा उसके आधार पर, एक दूसरा जिसमें ज्यादा पैसे मिल रहे हो कई बार, वो भी एक आधार रहता है। और जिस और क्या है इस वातावरण की विशेषता है? तो इसमें सोना, जागना, उठना, खाना पीना सब अनियमित, समाज से कोई संपर्क करीब करीब नहीं के बराबर है, जो है वो बहुत लिमिटेड है और वो है मुख्य रूप से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ठीक, इस तरह के वातावरण से आ रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां पे क्या स्थिति है? तो वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, चाहे वो किसी IIT में जा रहे हो, चाहे वो किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, चाहे वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो, चाहे वो किसी NIT में जा रहे हो, किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, उनके मन में ये कुंठा है कि वो वहां नहीं पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना था। और मान लीजिए कोई सबसे अच्छी जगह पहुंच भी गया, तो उसके मन में वो जो एक दिन तक भाव रहता होगा, उसके अगले दिन से ही उसे लगने लगता है कि मैं यहाँ आ गया, यहाँ तो कुछ है नहीं। तो एक तो वो वातावरण जिससे आ रहे हैं वो, और दूसरा जहां पहुंच रहे हैं वहां से अन्यत्र कहीं पहुंचने की कुंठा, ये दोनों चीजें मिलकर चीजों को कठिन बना देती हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं उसमें कोई कमी है या वो अच्छा नहीं है, लेकिन उनके मन में ये भाव नहीं बन पा रहा है, इस वजह से वो उसकी जो उपयोगिता है, जो उसका सामर्थ्य है, उसको देख नहीं पाते। तो इंडक्शन प्रोग्राम उस पूरे इशू को एड्रेस करने के लिए डिजाइन किया गया। तो इंडक्शन प्रोग्राम इज डिजाइंड फॉर स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम प्रिपरेशन एनवायरनमेंट टू इंजीनियरिंग करिकुलम। ये एक एरो से हम दिखा रहे हैं इसको, लेकिन इंडक्शन प्रोग्राम खाली 21 दिन का है, तो 21 दिन में कोई भी गतिविधि की खाली शुरुआत हो सकती है। शुरुआत ठीक से हो जाए तो समर्थ गुरु रामदास कहते हैं कि पहला कदम चला तो आधा रास्ता तय, तो ऐसा हम सबको भी जीवन में दिखता है। तो शुरुआत होने के बाद भी लेकिन आधा रास्ता जो बचा है उसको चलने के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए, तो इस वजह से हम लोगों ने एक और उसमें प्रस्ताव लाया जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी सेल। तो शुरू के 21 दिन इंडक्शन, और इंडक्शन में जो भी उसमें जिस भी वस्तु में रुचि बनी उसकी, उसको और ज्यादा ठीक से उसके मन में बैठ जाए और समझ में आ जाए, उसके लिए स्टूडेंट एक्टिविटी।
की सेल, इतनी बात आज के प्रेजेंटेशन में मैं करने वाला हूं। सबसे पहले उद्देश्य क्या है इंडक्शन प्रोग्राम का। तो 14 मार्च 2017 में एक मीटिंग हुई काउंसिल की, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE की। उसमें AICTE ने तय किया कि वो बहुत सारे क्वालिटी इंप्रूवमेंट के तरीके लाएगी, इंडक्शन प्रोग्राम उनमें से एक था। इंडक्शन प्रोग्राम का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो सबसे मूल उद्देश्य कहें तो स्वयं से लेके और राष्ट्र और प्रकृति तक की पूरे क्रम को समझना और उसमें अपने आप को ठीक से रख के देख पाना, और उसी के साथ जिन चीजों की आवश्यकता होगी तो उस इंस्टीट्यूट को जिसमें वो जा रहा है उसकी संस्कृति को समझे, उसके मूल्यों को समझ सके। उसका जो रूटीन पूरा बिगड़ गया है, देर से सोना, देर से जागना, अनियमित समय पर खाना पीना, वो ठीक हो जाए। उसकी उसके साथ के लोगों से, उसके सीनियर्स से, उसके जो वुड बी फैकल्टी मेंबर्स होंगे उनके साथ एक ठीक संबंध स्थापित हो जाए। और इसके अलावा उस क्योंकि अलग अलग छात्र अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं तो किसी के साथ भाषा की दिक्कत हो सकती है कि वो आंग्ल भाषा अंग्रेजी में अपने आप को बहुत अच्छा नहीं पाता होगा, अच्छा होने के बाद भी उसके मन में एक विश्वास का अभाव रहता है, या कई बार किसी को गणित में कुछ कठिनाई होती है। तो एक ऐसी व्यवस्था करना कि जब वो इंस्टीट्यूट में जाएगा वहां पे इस तरह की चीजें मिलेंगी, लेकिन उससे पहले एक पुल जैसा, एक सेतु जैसा निर्माण हो जाए जो उसको वहां तक पहुंचा पाए, तो एक ब्रिज जैसा ये बन पाए, इतना ऑब्जेक्टिव है इंडक्शन प्रोग्राम का। इंडक्शन प्रोग्राम के लिए जो अप्रोच ली गई वो यूनिवर्सल अप्रोच है, सार्वभौम अप्रोच है। यानी जैसे मॉड्यूल 2 है हमारा फिजिकल हेल्थ एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, अब इसमें हम आयुर्वेद या होम्योपैथ या यूनानी इनकी भी किसी की बात कर सकते थे, या एक दूसरा तरीका हो सकता है कि हम होलिस्टिक ह्यूमन हेल्थ की बात करें। होलिस्टिक ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं तो आयुर्वेद इसका एक उदाहरण हो जाता है, और फिर वो ज्यादा ठीक से समझ पाते हैं कि समग्र मानवीय स्वास्थ्य का पर्याय क्या है और इसके मूलभूत सिद्धांत क्या है, और फिर ठीक ठीक तरीके से देख पाते हैं कि आयुर्वेद इन पे कैसे खरा उतरता है, और जो अलग अलग तरह के वेद हैं यानी होम्योपैथ या ये सब, उनके बीच में अंतर क्या है, उनमें आपस में कहां साम्य है, कैसे वो एक दूसरे की पूरकता में। तो इस तरह का मूल सिद्धांत लेके और सार्वभौम कैसे हो इसको लेके इंडक्शन प्रोग्राम का पूरा करिकुलम डिजाइन किया गया। इसका जो मतलब इस तरह से क्या होता है वो चीजों को उदाहरण के आधार पर समझ पाते हैं, बेसिक वस्तु को, मूलभूत वस्तु को, और वो विभिन्न संस्कृतियों में जो समान है उसको देख पाते हैं, जो भिन्न है उसको भी देख पाते हैं, उनकी साम्य को भी देख पाते हैं, और चीजों की आलोचना करना, उनको मना उनके लिए ना कर देना, उसकी जगह वो उन चीजों को ठीक से समझ पाते हैं और उनमें कई बार उनकी रुचि बनती है तो उसको और ज्यादा संवर्धन भी कर पाते हैं, उसका एनरिचमेंट भी कर पाते हैं। इस तरह की अप्रोच लेके कुछ 9 मॉड्यूल्स इसमें डिफाइन किए गए। आप में से जो लोग इंडक्शन प्रोग्राम पहले चला चुके हैं उन्होंने इनमें से 8 मॉड्यूल देखे ही होंगे। एक नवा मॉड्यूल हमने और हम लोगों ने और इसमें ऐड किया है, मैं इन मॉड्यूल्स के बारे में सारी बात करूंगा। तो ये मॉड्यूल्स हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, जिसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा सामान्यतः, फिजिकल हेल्थ एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, फैमिलराइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट ब्रांच एंड इनोवेशन, विजिट टू लोकल एरिया, लेक्चर बाय इमिनेंट पीपल, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मॉड्यूल्स, लिटरेचर, क्रिएटिव प्रैक्टिसेस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। पहले मॉड्यूल के बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में अभी बात आप कर ही रहे हैं। दूसरा है स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कहने से मानसिक स्वास्थ्य तक भी बात जाती है, वो भी हो सकती है, लेकिन हम लोग इस मॉड्यूल में जो बात कर रहे हैं वो शारीरिक स्वास्थ्य की कर रहे हैं क्योंकि बाकी चीजों के लिए तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है ही। तो इसका जो उद्देश्य है, एक तो बच्चा स्वस्थ रहे, उसके साथ के जो छात्र हैं उनके साथ और सीनियर्स के साथ और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो और लोग हैं उनके साथ एक संबंध का निर्माण हो,
संबंध को वो पहचान पाए। और एक मेंटरशिप की व्यवस्था है कि हर 5 छात्रों पर एक स्टूडेंट मेंटर होगा, उसके साथ उसकी मित्रता हो और वो ज्यादा ठीक से चीजें कर पाए। इसके तरीके क्या है? तो तरीका एक तो हेल्थ काउंसलिंग है। हेल्थ काउंसलिंग में बात ये नहीं कि वो कैसे बीमार होने के बाद ठीक होगा, वो भी उसका एक भाग है, लेकिन मूल बात यह है कि कैसे वो स्वस्थ ही रहेगा, बीमार होगा ही नहीं। दूसरा खेल, यानी बचपन में जो खेल खेले उनमें से वो कई तरह के खेल यहाँ पर होंगे, जिससे टीम स्पिरिट का भी जो भाव है वो बढ़ता है और अंततः ये जो बॉन्डिंग है वो भी बढ़ती है। स्पोर्ट्स माने क्रिकेट फुटबॉल जो आजकल स्पोर्ट्स के नाम पर कहे जाने लगे हैं, और योग। ये जो तीसरा उसका मॉड्यूल है फैमिलियराइजेशन टू डिपार्टमेंट ब्रांच इनोवेशन, ये मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। इसमें बच्चे को ये बात ठीक से ध्यान में आती है कि इस इंस्टीट्यूट का ओवरऑल इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, और यहाँ पर हम किस तरह से हम भी जिसमें संवर्धित हो सकते हैं, एनरिच हो सकते हैं, और इंस्टीट्यूट भी एनरिच हो सकता है, उसके लिए क्या वो संभावना है। तो एक तो इसमें सबसे पहला काम तो ये है कि इंस्टीट्यूट का एक लक्ष्य इस देश के विकास में, समाज के विकास में, सभ्यता के विकास में क्या है, वो सब निर्धारित किया जाए। उसके बाद शिक्षा का क्या लक्ष्य है, इस पर्टिकुलर ब्रांच का क्या लक्ष्य है, ये सारी बात छात्र को बताई जाए। तो अभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्या मतलब लक्ष्य हो सकता है, क्या उसका मतलब है, इस रीजनल डेवलपमेंट में वो क्या कैसे उपयोगी हो सकती है, इस तरह की बात। और ये फिर कैसे इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, और फिर छात्र उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये भैया रुचिर भैया आवाज नहीं आ रही है, आई थॉट मेरे यहाँ कनेक्ट गया। नहीं, वो आवाज नहीं आ रही भैया, हो सकता है भैया के यहाँ का लगता है डिस्कनेक्ट हुआ है। हाँ, कुछ तो इशू है नेटवर्क का। हाँ, ही मस्ट बी ट्राइंग टू रीकनेक्ट, थोड़ा सा हम लोग सभी लोग पेशेंस रखेंगे। नमस्ते राजीव सर, अभी आवाज नहीं आ रही है क्योंकि स्पीकर का प्रोबेबली नेट डिस्कनेक्ट हो गया है, हम लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। नमस्ते, आप लोग परेशान ना हो, चैट बॉक्स में लगातार नो वॉइस करके लिख रहे हैं, तो मींस सम प्रॉब्लम इज देयर एट स्पीकर्स एंड, वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दैट। इस बात से ठीक बात है, अभी आवाज नहीं आ रही है, पर मेरी आवाज पहुंच रही होगी मेरे ख्याल में। जी 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 भैया कनेक्ट हो जाएंगे पॉसिबली। जी जी एक्चुअली एक कंप्लीट विजन की जरूरत है, जिससे कि हम लोग पूरे इंडक्शन प्रोग्राम को है ना ठीक से ऑपरेट कर पाए,
जिसमें मेन एंकर वैल्यू एजुकेशन है ना, इसलिए उस पर ज्यादा समय लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ में और भी कुछ 8-1 मॉड्यूल्स हैं, तो जिनके बारे में सिस्टमेटिक अपने को इंफॉर्मेशन मिल जाए, इसके लिए पर्टिकुलरली ये सेशन है, जिससे हम पूरी जिम्मेदारी से पूरे इंडक्शन प्रोग्राम को अपने यहाँ एग्जीक्यूट कर पाए। तो उन 8 बचे हुए मॉड्यूल्स के बारे में पर्टिकुलरली भैया जानकारी दे रहे हैं। एक्चुअली मोटिव तो ये है, सीधे सीधे अगर देखें तो एक बच्चा जो डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट कंडीशनिंग के साथ आ रहा है, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, एक कनेक्ट फील करे और अपनी जो भी उसकी वीकनेसेस हैं, जो भी अगर प्रॉब्लम्स हैं, जो लिमिटेशंस हैं, है ना, उनको शेयर कर पाए, तो इसलिए ये पूरा एसेट है ना, एक इंडक्शन प्रोग्राम जस्ट टू फैमिलियराइज नॉट ओनली विद इंस्टीट्यूशन, नॉट ओनली विद ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑल्सो विद ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर कनेक्टेड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस फैमिलियराइजेशन एक्चुअली दिस इज एक्सपेक्टेड। अगर मैं एक है ना माता पिता के तौर पर देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को एक ऐसी एम्बियंस मिले नई जगह पर, जहाँ से लौटने पर है ना वो फुल ऑफ एनर्जी के साथ रहे, वो परेशान ना हो कि ये बातें परेशान कर रही है या ये समझ नहीं आ रहा है ना, या एक किसी नई जगह पर मुझे बहुत सारी ट्रबल्स हैं, ऐसा ना लगे। तो कुल मिला के इंडक्शन प्रोग्राम उसी तरह का एक है ना एम्बियंस देने की का एफर्ट है। तो एक तरह से देखें तो एक डिजायरेबल इंस्टीट्यूशन, डिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशन है ना अपने बच्चे के लिए हम लोग तैयार करने की प्रक्रिया में है। भैया कनेक्ट हो चुके हैं, बढ़िया भैया कंटिन्यू करिए प्लीज। जी। तो जैसा दीदी ने बताया, तो कुल मिला के बात इतनी है कि उस इंस्टीट्यूट में वो अपने आप को प्लेस कर पाए, अपनी उपयोगिता वहां देख पाए और इंस्टीट्यूट की उपयोगिता को समझ पाए और उसमें कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट कर पाए। ये इसका इस मॉड्यूल का उद्देश्य है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मॉड्यूल है जो आगे आने वाले 4 सालों तक उस बच्चे के साथ, मुझे लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ हुई है, आप लोगों को स्लाइड्स दिख रहे हैं क्या? अभी स्लाइड चले गए भैया। हाँ अब ठीक है, अब आ रहा है, आप शेयर करिए जी भैया। 4th पॉइंट दिखाई दे रहा है अभी। हाँ अब आ गया ठीक जी, अभी 5 दिख रहा होगा, 4th वन भैया, हाँ 5th वन नाउ, ठीक है भैया ठीक है। तो इस दृष्टि से मुझे ये लगता है कि ये जो मॉड्यूल है विजिट टू लोकल एरिया, विजिट टू लोकल एरिया की बात करनी थी, तो उस मैं ये कह रहा था कि वहां पर कोई भी ऐतिहासिक स्मारक या स्थल होगा या कोई इस तरह का स्थान होगा जिसका उस शहर में महत्व होगा, उस शहर के लोग उसको मानते होंगे महत्वपूर्ण, वहां पर बच्चे को ले जाके और उससे उस विषय से उसको परिचित कराना, वहां पे जो भी महत्वपूर्ण बात हुई है जिससे वो उससे प्रेरणा ले सके और उसको अपने जीवन में ला सके। वैसे भी जा सकता है बच्चा, लेकिन शायद फिर उस तरह की बात डिटेल में नहीं होगी तो फिर वो बात कहीं ना कहीं छूट जाएगी। तो इसलिए उस क्षेत्र का क्या महत्व है और वहां पर उस मॉन्यूमेंट का क्या महत्व है, वो दोनों बातें अगर बताएंगे तो वो उन चीजों को ठीक से प्लेस कर पाते हैं। और इसी तरह से अगर आसपास के किसी गांव में ले जाएंगे तो उसमें 3 बातें मुख्य रूप से चर्चा में आनी चाहिए। एक तो गांव के लोग उनके लिए शिक्षक हैं, वो गांव वालों को सिखाएंगे, ये संभावना कम है, यानी गांव वालों को काफी कुछ पता है जिसको वो गांव वालों से सीख सकते हैं। दूसरा, वहां पर इनोवेशन की कुछ नया करने की क्या संभावना है। और तीसरा, गांव की क्या कठिनाइयां हैं उसमें वो क्या कर सकते। तो इन 3 बातों को लेके एक विजिट गांव का पास के और एक विजिट आसपास के किसी महत्वपूर्ण स्थल का, ये 2 चीजें रखने के लिए।
विजिट टू लोकल एरिया एक ये मॉड्यूल। फिर पांचवा मॉड्यूल जो है वो है लेक्चर बाय इमिनेंट पर्संस, वर्ड व्यू सेशंस एंड इंटरेक्टिव टॉक्स। इसमें उद्देश्य ये है कि जो लोग अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मानवता को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो विज्ञान हो सकता है, तकनीक हो सकती है, कला हो सकती है, संस्कृति हो सकती है, कोई भी ऐसा विषय हो सकता है, उनको बच्चों से सीधे सीधे इंटरेक्ट कराना, जिससे बच्चे उन बातों को समझ सकें कि कैसे इस तरह की चीजें लोग सोच पाते हैं, ऐसे कैसे कर पाते हैं, और उनसे प्रेरणा लेके उन्हें अपने जीवन में ला सकते। इसमें अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं, कोई व्यवसायी हो सकता है, कोई स्टार्टअप शुरू करने वाला व्यक्ति हो सकता है, प्रोफेसर एच सी वर्मा जैसा कोई रिनाउंड एकेडमिशियन हो सकता है, कोई बड़ा समाज सेवी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग भी इसमें आपकी ये सहायता करेंगे आप लोगों की, कि आप लोगों को कुछ सूची देंगे और उस सूची से आप जिसको बुलाना चाहें उनके आने की व्यवस्था करेंगे, तो जिससे आप लोगों के लिए कठिनाई बहुत ना हो, आप लोग उसको अच्छे से कर पाए। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ लोग आए जो हमारे इंस्टीट्यूट में, उनके बाद अगला मॉड्यूल है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मॉड्यूल। इसके दो उद्देश्य मुख्य रूप से रखे गए, एक तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो कहीं ना कहीं बच्चों में कमजोरी रहती है और इसकी वजह से वो काफी परेशान होते हैं, और दूसरा उनको ये जो NLP है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये जो नए फील्ड के रूप में उभर रहा है और आगे उसमें शोध और व्यवसाय दोनों की काफी संभावना है, उसके बारे में उनको बताना, बातचीत करना, जिससे वो उसके बारे में कुछ कर सकें। तो इसमें प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हो सकती है, रीजनल और संस्कृत लैंग्वेजेस हो सकती है, और जो ओल्ड टेक्स्ट है उनको पढ़ने का काम हो सकता है। मुख्य रूप से ये दो भागों में बटा हुआ मॉड्यूल, 5 घंटे इसमें, 15 घंटे का टोटल मॉड्यूल है, 5 घंटे इसमें है जिसमें भाषा का जो विज्ञान है, सामान्यतः पाणिनियन व्याकरण पर आधारित, उसके बारे में चर्चा करना। उसके लिए जो आवश्यक मटीरियल है वो हम आपको देंगे, और दूसरा बाकी के 10 घंटे में किसी एक भाषा, जो भी वो भाषा चयनित करें, उसमें से संस्कृत एक भाषा हो सकती है, क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, या अंग्रेजी हो सकती है, जो भी एक भाषा चयनित करें, उस 10 घंटे में उनको उस भाषा के बारे में कुछ इतना बताना जिससे वो आगे उसमें और अगर कुछ करना चाहें तो कर सकें। अब भाषा के बाद जो भी लिटरेरी एक्टिविटीज हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं, अगर किसी बच्चे ने संस्कृत लिया तो वो संस्कृत नियनपिक्स के बारे में बात कर सकता है, किसी ने इंग्लिश लिया तो इंग्लिश क्लासिक्स को पढ़ने का काम कर सकता है ज्यादा ठीक से, रीजनल लैंग्वेज ली तो रीजनल लैंग्वेज और लिटरेचर कर सकता है। सब में ही पर्याप्त काम हुआ है, और अगर समग्र संस्कृति के रूप में देखें तो लिटरेचर ही है जिसके एक्सप्रेशन के रूप, जो उसके एक्सप्रेशन के रूप में नजर आता है। तो रीजनल, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लिटरेचर पढ़ने के लिए और उसमें कुछ इंट्रोड्यूस कराने के लिए ये मॉड्यूल है। इसमें जो मटेरियल हम लोग आपको देने वाले हैं वो टोटल 26 घंटे का मटेरियल होगा, 5 घंटे शुरू के उसमें रहने वाले हैं जो सामान्य साहित्य के बारे में परिचय कराएंगे, फिर भारतीय विज्ञान और तकनीक पर कुछ एक 12 से 14 घंटे का मटेरियल होगा, और फिर जो भारतीय जनसंपदा है उस पर एक 7-8 घंटे का मटेरियल होगा। ऐसा करके 25-26 घंटे का मटेरियल होगा जिसमें आप मतलब बच्चे को बता सकते हैं, बच्चा उनको पढ़ सकता है, और उसमें उसके आगे कहाँ पढ़ना उसके लिए भी पॉइंटर्स अवेलेबल है। तो वर्क ऑन साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशियंट इंडिया में क्या क्या, उसके कुछ उदाहरण है। टेक्नोलॉजी में मेटलर्जी हो सकता है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आयुर्वेद हो सकता है, आर्किटेक्चर हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, वाटर कंजर्वेशन हो सकता है, मैनुस्क्रिप्टोलॉजी हो सकता है। बच्चे को ये ध्यान में आता है कि हमारे यहाँ इतना सघन काम हुआ है परंपरा में,
उसमें आगे कुछ जोड़ना है तो जोड़ने के बारे में बात कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम उसको समझ सकते हैं और उसके उपयोग के बारे में सोच सकते हैं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद जो आठवां आयाम है वो है क्रिएटिव प्रैक्टिसेस। ये 45 घंटे का आयाम है। 45 घंटे के आयाम में जो बात है वो ह्यूमनिस्टिक कल्चर के बारे में बच्चे के मन में स्पष्टता लाना और उसको आर्ट के पीछे जो फिलॉसफी है उसको डिस्कस करना, जिससे वो उनको अप्रिशिएट कर सकता है। अभी तो सामान्यतः क्या होता है कि बहुत अच्छा मटेरियल उसको मिलता नहीं है और जो मिलता है उसको वो एंजॉय करने करते हैं, क्योंकि वो जो वास्तव में अच्छा शास्त्रीय संगीत ऐसा कुछ है उसको समझ पाने में कठिनाई होती है उनको। अगर वो उसको एक बार समझ पाते हैं तो उसमें ज्यादा आनंद है, ये उनको ध्यान में आता है, तो ऐसा उनको बताना। इस 45 घंटे के मॉड्यूल के दो भाग हैं। शुरू के 15 घंटे का जो भाग है वो सभी कलाओं के बारे में, सभी कलाएं यानी मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य और नाट्य, इनके बारे में और इनके अंतर संबंध के बारे में बातचीत करेंगे और इनका कैसे मानवीय सभ्यता के एक्सप्रेशन के रूप में है ये, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी के 30 घंटे में उनमें से कोई एक कला को चुनकर और उसके बारे में बच्चे को कुछ इतना बताना कि इससे वो आगे अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने की स्थिति में आ जाए। ये फोटोग्राफ है जिसमें नृत्य कर रहे हैं बच्चे। और नवा जो मॉड्यूल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन तरह की चीजें इसमें मुख्य रूप से आती हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मुख्य मूल रूप से दो और एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन, ये तीसरे। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सभी बच्चों में, ज्यादातर बच्चों में समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की इच्छा रहती है। इसमें कुछ बच्चे थोड़ा आगे जाते हैं और वो अपने स्तर पर कर पाते हैं। ज्यादातर बच्चों की ये इच्छा दब के खत्म हो जाती है क्योंकि उन्हें उस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां वो बहुत कुछ कर पाए। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो भी अवेलेबल हैं उससे उनका परिचय करा दें तो वो कुछ कर पाएंगे। तो इस मॉड्यूल में एक काम तो ये है कि उन्नत भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आपके यहाँ कुछ ऐसा चलता हो जो बच्चे चलाते हैं, जैसे हमारे यहाँ काशी उत्कर्ष चलता है, IIT कानपुर में शिक्षा सोपान, विवेकानंद समिति इत्यादि चलते थे, तो उनसे उनको परिचय कराना, उनके बारे में बताना, जिससे वो उसमें जुड़ता है। दूसरा काम ये है कि फेस्टिवल्स के बारे में उनका रेलिवेंस, इम्पोर्टेंस और उनको मनाने का तरीका, उसके बारे में बच्चों से बात करना, क्योंकि ये भी अभी काफी बदला है और जो शायद हम सबको ही पसंद नहीं आएगा, उस तरह से उत्सव मनाने का काम शुरू हुआ है, तो उनको ध्यान में आए कि उत्सव का अर्थ क्या है और वो कैसे मनाया जाना चाहिए, जैसे कैसे होली, दीपावली, पूजा कैसे मनाए जा सकते हैं, इसके बारे में उनसे बातचीत करें। और तीसरा महत्वपूर्ण भाग ये है कि जो भी उनके सीनियर्स हैं और जो उनके स्टूडेंट गाइड भी होंगे, उनसे उनको अनौपचारिक चर्चा करने का समय मिले, वो बातचीत कर पाए और वैसा वातावरण भी मिले। और ये सामान्यतः ये तीसरी चीज जो है वो हॉस्टल में रात में भोजन के बाद रखी जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद एक वैलेडिक्ट्री जिसमें पूरी बात हो, बच्चे अपना अनुभव शेयर करें वगैरह। ये एक टाइम टेबल है, प्रपोज टाइम टेबल इंडक्शन प्रोग्राम के दिनों का बच्चों का, सुबह 6 बजे से लेके और 6 से 7:30 पहले खेल है, फिर जलपान का समय है, फिर 2 सत्र हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा विश्राम के बाद एक और सत्र है, फिर भोजन के बाद फिर 2 प्रैक्टिस सेशन है और फिर थोड़े विश्राम के बाद एक और प्रैक्टिस सेशन है और फिर शाम को खेलने का समय है, फिर रात्रि भोजन और फिर इनफॉर्मल। ये प्रपोज है, तो इसमें हो सकता है कि कई जगहों पर जहां पर बच्चे छात्रावास में नहीं रहते उनमें से कुछ चीजें ना हो पाए तो उसको उसके हिसाब से परिवर्तित किया जा सकता है। एक विकल्प उसमें ये भी हो सकता है, जैसा कुछ कॉलेजेस ने ये कहा कि हम शुरू के 21 दिन बच्चों को अपने यहाँ रखेंगे और उनका जो भी खर्च होगा वो हम वहन करेंगे, ठीक है, वो उसमें आप क्या मॉडलिटी ले सकते हैं, खर्च उनसे ले सकते हैं जो भी, लेकिन अगर कर सकते हैं तो वैसा करना अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये सुविधा ही नहीं है वहां तो ये नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर है वहां पर ऐसा करना अच्छा रह सकता। फिर ये आवरली प्लान है सारी एक्टिविटीज का अलग अलग,
योगा हेल्थ खेल सीप में क्रिएटिव प्रैक्टिस यूएचपी लिटरेचर लैंग्वेज फील्ड विजिट विलेज विजिट वगैरह। इतनी बात तो हुई इंडक्शन प्रोग्राम की। इंडक्शन प्रोग्राम के आगे एक और एरो लगा के हमने स्टूडेंट एक्टिविटी सेल की बात की। तो अभी बात करें स्टूडेंट एक्टिविटी सेल की। स्टूडेंट एक्टिविटी सेल एक सेल होगी जिसके डायरेक्टर या प्रिंसिपल या डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स चेयरपर्सन होंगे। ये जो स्टूडेंट एक्टिविटी सेल है इसके तीन मेजर पार्ट्स होंगे। एक होगा होस्टिंग यूनिट, एक होगा यूएचवी सेल, और यूएचवी सेल और होस्टिंग यूनिट दोनों मिलके एसआईपी सेल बनाएंगे। यूएचवी सेल का काम होगा कि जो भी मूल्य शिक्षा के जो कार्यक्रम है उनका आयोजन हो जाए, मूल्य शिक्षा का कोर्स ठीक से पढ़ाया जा पाए, उसके लिए जो भी गतिविधि होगी वो यूएचवी सेल करेगा। एसआईपी सेल का काम होगा इंडक्शन प्रोग्राम ठीक से ऑर्गेनाइज हो जाए, और फोस्टरिंग यूनिट ये इंडक्शन प्रोग्राम के बाद की बात है। इंडक्शन प्रोग्राम हो गया, उसमें जो भी बात हुई उसको अब ठीक से स्थापित किया जा सके, उसको बच्चे के अंदर जो भी रुचि अभिरुचि जागृत हुई उसको और एनरिच किया जा सके, उसके लिए ये फोस्टरिंग यूनिट। फोस्टरिंग यूनिट में अपेक्षा ये है कि ये मूल रूप से छात्रों द्वारा ही चलाई जाएगी, और इसमें फैकल्टी एक फैकल्टी शायद एंटर एडवाइजर जैसा कुछ हो सकता है, बट बाकी जो कुछ भी हो वो छात्र हैं। यूनिट के नीचे एक्सेसेस होंगे, यूएचवी एक्सेस हेल्थ एक्सेस और कैरियर एक्सेस, और फिर उनके डायमेंशंस होंगे, यूएचवी डायमेंशन सोशल वर्क डायमेंशन हेल्थ डायमेंशन क्रिएटिव प्रैक्टिस डायमेंशन लिटरेचर डायमेंशन कैरियर डायमेंशन और स्किल डायमेंशन। इनके नीचे क्लब्स होंगे, तो जैसे क्रिएटिव प्रैक्टिस डायमेंशन में एक क्लब हो सकता है नृत्य क्लब यानी डांस क्लब, या एक क्लब हो सकता है भारतीय नृत्य क्लब इंडियन डांस क्लब, तो इस तरह के अलग अलग क्लब्स हो सकते हैं। वो क्लब बच्चे ही तय करेंगे और बच्चे अपने हिसाब से बनाएंगे। ये जो क्लब्स होंगे इनको कार्यक्रम देने का काम ये आईआईटी बीएचयू में एक हम बच्चों का आईआईटी बीएचयू के बच्चे उनका एक सेल यहाँ पर बना रहे हैं, तो उनको कार्यक्रम देने का काम उनके कार्यक्रमों के लिए जो भी रिसोर्सेज देने का काम वो ये सेल करेगी। और उसके बाद इस इन क्लब्स के हम यूनिवर्सिटी स्तर पर प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशंस भी ऑर्गेनाइज करेंगे वर्ष में एक बार या दो बार, जहाँ ये बच्चे आए और अलग अलग तरह के चीजें इंटरेक्ट करके और कुछ अच्छा मीनिंगफुल काम कर पाए। और जो बच्चे निकल भी जाएंगे उनको हम इसके एलुमनस के रूप में मानेंगे और उनको भी इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये स्लाइड मुझे लगता है आप लोगों से बहुत ज्यादा मतलब की नहीं है, लेकिन मूल रूप से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले हम लोगों की योजना ऐसी थी कि इसको 5 विश्वविद्यालयों में चलाएंगे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। 5 विश्वविद्यालय यानी राजस्थान के दोनों टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, उत्तर प्रदेश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र की टेक्निकल यूनिवर्सिटी और गुजरात की टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उसके लिए एक 10 दिन का एक मास्टर ट्रेनर वर्कशॉप हम लोगों ने मार्च में योजना बनाई थी, जिसमें इन सब यूनिवर्सिटीज से कुछ लोग आने वाले थे और फिर वो वहां जाके फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने वाले थे इस महीने यानी मई और जून में, लेकिन ये पेंडेमिक की वजह से सब कुछ इसमें परिवर्तन हो गया। अब आगे कैसा होगा उसको हम लोग आगे तय करेंगे, ये उसी के बारे में चार्ट है। और इन 5 यूनिवर्सिटीज के अलावा बाकी को भी जो मटेरियल तैयार होगा वो हम सबके साथ ही बांटने वाले हैं। इन 5 में हम पहले साल में ज्यादा प्रयास करने वाले थे, अगले वर्ष हम बाकी सबके साथ करने वाले थे। ये कुछ बच्चों के रिव्यूज हैं जो इंडक्शन प्रोग्राम के बाद उन्होंने दिए।